प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ समाजवादी पार्टी बीएसपी गठबंधन ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है और अब सोमवार को नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को लेकर काफी देर तक सस्पेंस बना रहा। आपको बता दें कि एसपी की पूर्व घोषित प्रत्याशी शालिनी यादव और बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल किया। हालांकि बाद में फिर पार्टी ने स्पष्ट किया कि तेज बहादुर यादव ही पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके प्रत्याशी होंगे और शालिनी यादव बाद में अपना नामांकन वापस लेंगी। इतना ही नहीं, इससे पहले एसपी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज राय बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव के साथ पर्चा दाखिल कराने पहुंचे और तौर धूपचंडी ने दावा किया है कि तेज बहादुर पार्टी के प्रत्याशी होंगे। धूपचंडी ने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी में बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव एसपी के प्रत्याशी होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एसपी की अब तक घोषित प्रत्याशी शालिनी अपना नामांकन पत्र वापस ले लेंगी। इससे पहले जब शालिनी नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट में जुलूस लेकर पहुंची, उसी समय धूपचंडी बीएसएफ के बर्खास्त जवान को लेकर नामांकन का एक सेट और दाखिल कराने पहुंच गए। दोनों प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल किया। खैर, अब तो ये कहा जा रहा है कि भाई सपा ने जो अब आखिरी वक्त पर चाल चली है, उससे मोदी की हार जो है पक्की होती जा रही है। देखना वाकई में दिलचस्प होता है कि क्या तेज बहादुर सपा को विजय और मोदी की हार करा पाते हैं। SP9 News से अजय रिपोर्ट।